हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप? दिन की शुरुआत मेरे किचन से होती है, जहाँ आज मैं बहुत कम तेल में करेले की सब्ज़ी को बनाने वाली हूँ। और मैंने बिना करेले को नमक में मिक्स किए हुए काट के रखे हुए हैं, और मैं प्याज के साथ ऐसे ही बनाने वाली हूँ जैसे मैं हर बार ही बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने प्याज को कतर के डाल दिया है, और इसके बाद मैं करेले इसमें ऐड कर दूंगी और अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे। अब आप देखिए कि बिना नमक में के निचोए भी करेले बहुत टेस्टी बनेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और इनको मैं ढक के रख दूंगी थोड़ी सी देर के लिए। और इसके बाद ये थोड़े मसाले इसमें मैं ऐड कर दूँ। सबसे पहले धनिया, हल्दी और लाल मिर्च मैं इसमें डालूंगी। ये ट्रिक मैंने इसमें आजमाई है। कई बार मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ये अचार मेरे पास एक्स्ट्रा रखा हुआ था और ये अच्छा अचार था, इसको कोई खा नहीं रहा था। इसमें जो खटाई थी वो थोड़ी ज़्यादा खट्टा था ये अचार, तो ये लगभग इस क्वांटिटी के अनुसार मैंने इसमें ये अचार को मिक्स किया है। इससे ये करेले की सब्ज़ी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी और जो खट्टास थी वो ये करेले अब्जॉर्ब कर लेंगे, तो बहुत ही टेस्टी आपकी सब्ज़ी बनेगी। व्योम को लेने जाने का समय हो रहा था, इसलिए मैं रेडी होती हूँ। ग्रीन टी भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है, तो आज मैंने ग्रीन टी बना ली है अपने लिए और मैं बैठ कर आराम से ग्रीन टी का एंजॉय कर रही हूँ। शाम को व्योम की मस्ती स्टार्ट हो जाती है। तबीयत व्योम की कुछ ठीक नहीं थी, बारिश के कारण व्योम को सर्दी हो गई थी, तब भी व्योम की मस्ती कम नहीं हो रही थी। मिरर में देखकर कुछ इस तरह से पोज बना रहे थे व्योम। शाम को मैं वॉकिंग के लिए निकली तो नीचे का मैंने शूट किया। नीचे ये हमारा गैरेज है और ये बिल्डिंग जहाँ अभी हम रह रहे हैं, और ये नीचे का बहुत ही सुंदर पेड़ लगे हुए हैं, गार्डन है छोटा सा, पर यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, ग्रीनरी बहुत है। सारे केरल में आपको बहुत पेड़ मिल जाएंगे देखने के लिए। और ये बिल्डिंग में से ऊपर से झांकती हुई मेरी एक बेटी भी है जो मुझे ऊपर से हाय कर रही है। मैं वॉकिंग के लिए जाने वाली हूँ, इसलिए शाम को मैं लौट कर आती हूँ तो मैं थोड़ा डाइट फूड ले रही हूँ, जिसमें मैंने बेसन का चीला बनाया है। और आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।